तो दोस्तों चलो करते हैं सैमसंग A35 5G का अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करके हम आपको बताने वाले हैं कि सैमसंग का A35 5G आपको कैसे होने वाला है। तो फोन का फर्स्ट लुक एक बार भी मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन हम बात करते हैं बॉक्स में आपको सैमसंग क्या क्या देने वाला है। तो सबसे पहले ये आपको मिलने वाला है सिम टूल, जिससे आप सिम बाहर निकालने के लिए काम में लेने वाले हो। और आप देखते हैं कि इन साइड में आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक ये मिलने वाला आपको सैमसंग का गाइड, जो मोस्टली ज़्यादा काम का होता नहीं है, क्योंकि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला ही हूँ। सैमसंग का ये C2C केबल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, ये सैमसंग के फोन्स को काफ़ी अच्छी फास्ट चार्जिंग भी करता है। इसके अलावा बॉक्स में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो चलो इसका अनबॉक्सिंग करके मैं आपको बताता हूँ। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बैक साइड इसमें देखने को आपको मिलने वाला है। ये फ़ोन काफ़ी अच्छी, एक तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सैमसंग S24 सीरीज का कोई फ़ोन उठा लिया, क्योंकि इसका कैमरा क्वालिटी सेम टू सेम वहाँ देखने को मिलने वाला है। सेम बैक साइड का पैनल भी आपको ये का ये देखने वाला है, साथ में इसका जो साइड बॉडी है वो भी टाइटेनियम मिलने वाला है इस फ़ोन में भी आपको। तो ये बिल्कुल सेम 24 सीरीज का जैसा अपग्रेड मॉडल आपको देखने को मिलने वाला है। बात करने वाले हैं सैमसंग के A35 5G के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पावर बटन, साथ में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन यहाँ देखने को मिलने वाला है। अपर साइड में आपको यहाँ माइक का सेंसर मिलने वाला है, और यहाँ आपको मिलने वाला सिम स्लॉट, जिसमें आपको डबल 5G सिम का स्लॉट मिलने वाला है। साथ में अगर आप एक मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हो तो एक सिम का स्लॉट आपको अवेलेबल रहेगा। इसी के साथ आपको लेफ्ट साइड में कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है, और नीचे की साइड में आपको मिलने वाला है यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग स्लॉट यहाँ मिलने वाला है, और स्पीकर का ग्रिल मिलने वाला है, जो आपको काफी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कराने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं सैमसंग A35 5G के डिस्प्ले क्वालिटी की। तो इसमें आपको मिलने वाला है 6.6 इंची का सुपर अमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। साथ में आपको इसमें मिलने वाला है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और 1000 निट्स का आपको यहाँ ब्राइटनेस देखने को मिलने वाला है, जिससे ये फोन चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर आपको काफी अच्छी ब्राइटनेस देने वाला है। और यही इसके रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको मिलने वाला है 1080x2340 का रेजोल्यूशन मिलने वाला है, जो आपको अच्छी फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी देने को मिलने वाली है। इसी के साथ में आपको 390 PPI का सपोर्ट भी इस डिस्प्ले में आपको मिलने वाला है। तो इस डिस्प्ले क्वालिटी के साथ में इस डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के बारे में अगर बात करूँ, तो इसमें आपको मिलने वाला है कोरियन गोरिल्ला ग्लासेस विक्टेस प्लस का सपोर्ट मिलने वाला है। तो चलो देखते हैं इसके ड्रॉप टेस्ट करके कि ये डिस्प्ले किस क्वालिटी की होने वाली है। गिराने के बाद में भी ये बिल्कुल सेफ देखने को आपको मिल रहा है, काफी अच्छी मजबूत क्वालिटी की डिस्प्ले आपको इस फोन में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सैमसंग A35 5G के कैमरा सेटअप के बारे में। तो आपको बैक साइड में मिलने वाला है ट्रिपल लेयर कैमरा का सेटअप, साथ में आपको इसमें OIS कैमरा का सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो इसका फर्स्ट कैमरा मिलने वाला है 50 MP का वाइड एंगल कैमरा आपको मिलने वाला है, और 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ देखने को मिलने वाला है, और थर्ड रेयर में आपको मिलने वाला 5 MP का माइक्रो कैमरा यहाँ आपको देखने वाला है। इसके साथ ही आप इसमें HD रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और यही इसके फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो आपको मिलने वाला 13 MP का सेल्फी कैमरा आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। तो इस प्राइस सेक्टर में ये कैमरा सेटअप आपको काफ़ी कुछ ठीक ठाक क्वालिटी में आपको देखने को मिलने वाला है। सैमसंग के A35 5G की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो सैमसंग इसमें देने वाला है सैमसंग आइनॉक्स 1380 चिपसेट आपको देने वाला है, और सपोर्ट में आपको मिलने वाले हैं नैनोमीटर की बात करते हैं तो 5 nm का नैनोमीटर आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर रहने वाला है, और साथ में आपको 2.8 GHz कॉर्टेक्स का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये फोन इस प्रोसेसर के साथ में काफी अच्छा रहने वाला है। और यहीं अगर एंड्रॉइड वर्जन की मैं बात करूँ तो एंड्रॉइड 14 आपको देखने को मिलने वाला है, UI 6.1 का सपोर्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। इन सभी के साथ में सैमसंग आपको इस फोन में 5 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट भी साथ में देने वाला है। सैमसंग की ये चीज काफी अच्छी होती है, अदर ब्रांड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो 2-3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देता है, लेकिन सैमसंग 4-5 साल का सिक्योरिटी अपडेट आपको फोन में देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं सैमसंग A35 5G के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो आपको इस फोन में देखने को मिलने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, और साथ में आपको मिलने वाला है IP67 का वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट। इन सबको पावर देने के लिए सैमसंग A35 5G में आपको मिलने वाला 5000 mAh का पॉलीमर बैटरी, जो काफी अच्छी क्वालिटी का होने वाला है। और इसे चार्ज करने के लिए सैमसंग देने वाला आपको 25W का चार्जिंग सपोर्टेड आपको यहाँ मिलने वाला है। तो गाइस ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल टेक आर्या को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं।